हेलो डॉक्टर्स, आई होप आप लोग अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो जो हमने कंटिन्यू करनी थी डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज की, उसके लिए दोबारा से शुरू करते हैं अभी। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में 4 रेमेडीज़ करी थी, अब हम फर्दर रेमेडीज़ करेंगे। तो देखते हैं अगली रेमेडी है आपकी मैगम्यूर। मैगम्यूर जो होती है, मैग्नीशियम म्यूरेटिकम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी बहुत आती है इसमें, इमोशनली बहुत वल्नरेबल है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, इमोशनली वल्नरेबल हैं और सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सिम्टम आता है कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं पे लड़ाई हो रही है ना, तो वहाँ जाके उस लड़ाई में कूद पड़ेंगे, सोचेंगे हम इनकी लड़ाई सुलझा देते हैं। तो दे ट्राइज टू रिजॉल्व, दूसरों की मुसीबत को सुलझाने जाते हैं और खुद दुखी होके आते हैं। ट्राइज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कावर्ड नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, वहाँ किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, या दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, उनको देखते हैं और खुद परेशान हो जाते हैं। पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है, उनका पता नहीं, वो परेशान होंगे होंगे नहीं, बट ये ज़रूर परेशान होंगे। एक तो इनको जाना है, वहाँ पे जाके सुलझा के आना है, वहाँ किसी ने कोई बात कह दी, दिल पे लग गया, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं तो खुद दुखी हो जाते हैं, है ना। तो इनकी जो एलिमेंट्स होती हैं, एलिमेंट्स आती हैं इस वजह से इनके अंदर, ठीक है, एलिमेंट्स आएंगी फ्रॉम क्वारल्स। खुद लड़ रहे हो, खुद तो कमी लड़ेंगे, दूसरा जो लड़ेगा ना पड़ोसी, उसकी वजह से भी, बताओ भाई, इवन ऑफ अदर्स। अच्छा, इसके बाद ये लोग ना क्या होता है कि ये अपने इमोशंस को बहुत सप्रेस करते हैं दूसरों के लिए, है ना, जैसे स्टैफिस गेरा में होता है कि दे सप्रेसेस देयर इमोशन फॉर अदर्स सेक। फ़ायदा है क्या उस चीज़ का? वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता, खुद दुखी होते हैं, खुद को एलिमेंट्स आएंगी, है ना। तो हमारे स्टैफिस गेरा की तरह, स्टैफिस गेरा भी बहुत अच्छी रेमेडी है वैसे डिप्रेशन के लिए, सुसाइडल टेंडेंसीज के लिए। तो स्टैफिस की तरह अपने इमोशंस को दूसरों की खुशी के लिए सप्रेस करेंगे, सोचेंगे कि चलो अगर मैं चुप रह गई इस कंडीशन में, मैं चुप रह गया, या फिर मेरे चुप रहने से अगर वो खुश है तो मैं चुप ही रह लूँ, बट उस चीज़ का नुकसान खुद भुगतते हैं, खुद डिप्रेशन में जाते हैं और खुद सुसाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर अदर्स हैप्पीनेस, तो बड़े ही महान किस्म के लोग हैं वैसे, है ना, अदर्स हैप्पीनेस, सोचते हैं कि दूसरा खुश रहे बस, तो मैं चुप रह लेता हूँ या चुप रह लेती हूँ, तो इस चीज़ का खामियाजा खुद भुगतते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इनका जो आगे सिम्टम आता है कि ये लोग बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। वैसे मुझे ऐसे लगता है कि जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ना, उनको तो ये जो अगर कह लो बहुएँ हैं तो बहुत अच्छी लगेंगी, और अगर बेटे हैं तो भी बहुत अच्छे लगेंगे घरों में, है ना, कि देखो कुछ नहीं कहता, हमेशा दूसरों की लड़ाइयाँ सुलझाने के लिए। इनको मेरे हिसाब से ना कोई ट्रॉफी चाहिए होती है समाज में अच्छे बनने के लिए। ठीक है, अपना नुकसान करा लेते हैं बेशक से उसमें कितना भी, तो इंट्रोवर्ट होते हैं एंड अवॉइड करेंगे हर्ट होने के लिए, अवॉइड टू बी हर्ट। अवॉइड क्या करेंगे, ऑलरेडी इतना हर्ट होते घूम तो रहे हैं ऊपर से, है ना। इसके बाद आता है कि डिससेटिस्फेक्शन इनमें बहुत ज़्यादा आएगी, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन, डिससेटिस्फेक्शन, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन आएगा ही। ठीक है, उसके बाद इनमें क्या होता है कि ये लोग ना एक बिटरनेस से डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि इतना इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, लोगों के ये हाव भाव देख रहे हैं ना, तो एक बिटरनेस डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर ना
एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सेंस होती है ड्यूटी की, समाज की सारी जिम्मेदारी सारा ठेका इन्होंने उठाया होता है मैग्मीर ने, है ना, तो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्गर सेंस होती है ड्यूटी की। मोरल पुलिसिंग आई गेस यही लोग करते हैं, स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ ड्यूटी, ओवरलोड करते हैं खुद को जिम्मेदारियों से, ठीक है, ओवरलोड कर लेंगे अपने आप को, ठीक है, कि मेरे ऊपर ही सारे समाज के कल्याण की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। मैग्म्यूर इसीलिए इतना डिप्रेस्ड है, इरिटेबल है, नर्वस, बहुत डिससेटिस्फाई होते हैं, बिटरनेस आ जाती है इनके अंदर, इनका टेम्परामेंट भी बहुत सॉर टाइप का होता है ना, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो नर्वसनेस इनमें आ जाएगी, रेस्टलेसनेस आएगी, उसकी वजह से स्लीपलेसनेस आती है। एंड स्लीपलेसनेस, अभी सोचो जो इंसान सोएगा नहीं वो क्या ही करेगा, परेशान तो होगा ही ना, है ना। तो मेरे हिसाब से एक आज की डेट में डिप्रेशन का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो कम सोना भी होता है। आप सोते नहीं हो क्योंकि आप कॉन्स्टेंट स्टेज ऑफ वरी में रहते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता रहेगा, एनजाइटी होगी, अब स्लीप प्रॉपर नहीं लोगे तो बॉडी जो होती है वो इरिटेबल हो जाएगी आपकी, है ना, मेंटली आप बहुत इरिटेबल हो जाते हो, तो लास्ट में आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। और डिप्रेशन के शिकार होते हैं जो लोग, वो बहुत ज़्यादा प्रोन टू होते हैं सुइसाइड के लिए, है ना। तो गुड स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ पर्पस से, चाहे एग्जाम के लिए तैयारी करो चाहे लाइफ में कुछ भी करो, बट अपनी स्लीप प्रॉपर लो, है ना। तो उसके बाद क्या आएगा इनमें सिम्टम, कि ये बहुत ज़्यादा ना एंशियस होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, है ना, और इनका जो माइंड होता है ना उसमें थॉट्स रिपीट होते रहेंगे, तो एंजाइटी इनमें बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेके भी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, और कॉन्स्टेंटली इनके दिमाग में ना बात घूमती रहेगी, तो माइंड के अंदर थॉट्स बहुत ज़्यादा भरे रहेंगे, दिमाग में बातें चलती रहेगी इनके, है ना। इसके बाद कि जब अगर ये लोग पढ़ रहे होते, एक सिम्टम बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर आपने किसी में देखा होगा, स्पेशली ये लड़कियों में मिलेगा आपको वैसे ये सिम्टम, कि जब वो पढ़ रही होती ना तो उनको ऐसे लगता है कि वो जल्दी जल्दी पढ़ेंगी ना तो उनका जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि बहुत जल्दी 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 पढ़ रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट पढ़ते बहुत जल्दी जल्दी हैं, तो वाइल रीडिंग शी फील्स, शी मस्ट कीप रीडिंग फास्टर, ठीक है। तो सोचते हैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, जो पढ़ते हैं ना वो भी नहीं याद रहता, ठीक है। तो इसके बाद ये थी हमारी मैग्म्यूर। अब जो हम अगली रेमेडी करेंगे वो बहुत अच्छी रेमेडी है ग्रीफ के लिए भी, डिप्रेशन के लिए भी, और सुइसाइडल टेंडेंसीज़ के लिए भी। इसका जो वैसे बच्चा होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, अगर आप उसका चाइल्ड पढ़ेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी ये रेमेडी। तो हमारी नेक्स्ट रेमेडी है जिसके बारे में हम बात करें वो है नैट्रम्यूर, और नैट्रम्यूर एक बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है, ठीक है। नैट्रम्यूर अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव और वल्नरेबल लोग होते हैं, ठीक है। सेंसिटिव होंगे एंड वल्नरेबल होते हैं, अच्छा। इसके बाद इनमें आप ये देखेंगे कि मेंटली जो होते हैं ना इनमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और अवेयरनेस होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हाई डिग्री मेंटली अगर आप देख रहे हो इन लोगों को, हाई डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अवेयरनेस,
इन्हें ऐसे लगता है सबसे ज़्यादा इनको पता है ना। अच्छा, पूरी लाइफ में ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डीपली, जितने भी इनके इमोशंस होते हैं, इम्प्रेशंस होते हैं लाइफ को, उनको बहुत ज़्यादा डीपली ये लोग फील करते हैं, तो कह सकते हो कि एक्सपीरियंस करते हैं, या एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों को। बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख लेते हैं, अवेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इन लोगों के अंदर, नेट्रम्यूर के अंदर, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा है इनमें, ठीक है। तो उस हिसाब से ये लोग ना अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मेच्योर से लगते हैं, ठीक है। अपनी कह सकते हो कि जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा सीख लेते हैं, है ना। तो इनको तजुर्बा बहुत हो जाता है ज़िंदगी का। तो जैसे अगर हम टीनेजर्स की बात करते हैं, तो ये लोग कॉन्स्टेंट हर्ट होते हैं, कॉन्स्टेंटली हर्ट होते रहते हैं, जैसे रिजेक्ट हो गई, है ना, या कह सकते हो कि ब्रेकअप हो जाते हैं इनके, बार बार बड़े ब्रेकअप होते हैं, बेचारे इतनी लाते खाते हैं ना कि सीख जाते हैं आखिरी में कि आगे से कदम फूक फूक के रखेंगे, नहीं तो मनाही कर देते हैं, ठीक है। सो ये लोग एक रिलेशन में जाने से पहले बहुत बार सोचते हैं, ठीक है, तो बहुत कॉशियस होते हैं इस मामले में, कॉशियस होंगे रिलेशनशिप के मामले में कि आगे पीछे इतने धोखे खा लिए होते हैं रिलेशनशिप, है ना, पीछे इतने धोखे खा चुके होते हैं कि आगे सोच सोच के कदम रखते हैं। इनफैक्ट ये लोग पता है क्या करते हैं, किसी भी नए रिलेशन में इन्वेस्ट करने की बजाय सोचते हैं कि ऐसा कोई तरीका अपनाते हैं जिससे हम कम हर्ट हों, या हर्ट होने की संभावना कम से कम हो। तो ये लोग क्या करते हैं, ये उस एनर्जी को ड्राइव कर देते हैं, दूसरी साइड मोड़ देते हैं, और ये लोग दूसरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे कि ये लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, रोमांटिक नॉवेल्स को पढ़ेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि फिक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ये लोग, ठीक है। सो दे टर्न टू इंट्रोवर्टेड एक्टिविटीज़, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं वैसे ये लोग, लाइक फिक्शन है या रोमांटिक नॉवेल्स हैं, अपने आप में ही रहते हैं, ठीक है, फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रहते हैं फिर ये लोग। अच्छा, एक इनके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि आप कोरे मन के होते हैं, साफ दिल के होते हैं। जो नेट्रम्यूर का जो बच्चा होता है ना, उसके साथ ही होता है कि बचपन में जैसे वो पेरेंट्स को देख रहा है बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को, तो उस टाइम पे बेचारा बच्चा है ना कुछ कहता नहीं है किसी को, वो देखता है सिर्फ उनको कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, है ना। तो जब वो इतना लड़ता झगड़ता पेरेंट्स को देखता, तो उसके अंदर है ना इमोशनली बहुत हर्ट हो जाता है वो, तो उस टाइम पे वो कुछ कहता नहीं है, वो उस चीज़ को अंदर ही अंदर पीता रहेगा। उससे क्या होगा कि बॉडी जो होती है ना उनकी, वो पैथोलॉजिकल लेवल पे चली जाती है डैमेज होने पे। तो जो बच्चा होगा ना, वो बड़ा हो के कह सकते हो आप ऐसी बीमारी से ग्रसित होता है जिसका पीछे कॉज होता है कि बचपन में उसने ना पेरेंट्स के बहुत डिस्प्यूट देखे होते हैं। तो नेट्रम्यूर का जो बच्चा होता है ना, इस कारण से क्या हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है आगे जाके, और जब डिप्रेस हो जाएगा तो उसका क्या है कि सुइसाइडल टेंडेंसीज़ बढ़ जाती हैं। और जब ये बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं, अगर आपने नेट्रम्यूर पढ़ी होगी ना, तो ये कहते हैं कि इनको कंसोल करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, कंसोलेशन एग्रावेट्स, है ना। तो डिप्रेशन जो होता है वो इनकंसोलेबल नेचर का होता है, और लोग जो होते हैं ना वो सुइसाइडल हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी हमारे अडल्ट हैं आज की डेट में, माना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं जॉब्स को लेके, एजुकेशन को लेके, बट अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के सामने तो एटलीस्ट आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, वरना आपका जो हंसता खेलता बच्चा है वो भी नेट्रम्यूर का बच्चा बनने में देर नहीं लगेगा, है ना। सो बेटर टू अवॉइड जो भी आपके ट्रिफल्स होते हैं बच्चों के सामने। अच्छा, आपने एक चीज़ बहुत पढ़ी होगी कि बच्चे स्टैमर करते हैं, हकला के जो बोलते हैं। अगर आपने उनकी साइकोलॉजिकली प्रीवियस हिस्ट्री देखी होगी, तो वहाँ पे भी पेरेंट्स का डिस्प्यूट मिलता है हमेशा। बच्चा पता है क्या करता है, बच्चा ना उस टाइम पे कुछ बोलता नहीं है, वो डरने लग जाता है, और वो डर इतना ज़्यादा अंदर आ जाता है ना कि वो हकलाने लग जाता है बोलते बोलते।
अगर किसी ने वो मूवी देखी होगी अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें कैटरीना कैफ का रोल देखा होगा, जब वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, दुखी होती है, तो वो हकलाना शुरू करती है, स्टैमरिंग बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे अक्सर डिप्रेस्ड होते हैं और उनके प्रीवियस जो हिस्ट्री होती है ना, पेरेंट का डिस्प्यूट ही होती है। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को बच्चों के सामने तो लड़ना नहीं चाहिए कम से कम, है ना, ताकि उनको एक हेल्दी नरिशमेंट आप दें मेंटली भी, है ना। तो ये थी आपकी नैट्रमम्यूर। इसके बाद एक रेमेडी और बच जाती है हमारी, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, वो है इग्निशिया। इग्निशिया के साथ क्या होता है कि इग्निशिया डिप्रेस होती है, कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इनको कोई शॉक लग रहा हो, या कोई इन्होंने लॉस देख लिया हो लाइफ में, है ना, या कोई फेटल एक्सीडेंट देख लिया हो, उस केस में तो डिप्रेशन जो आता है वो इस वजह से आता है। डिप्रेशन आएगा शॉक से, है ना, कोई एक्साइटमेंट आ रही हो उससे, सडन इमोशन, सडन टाइप की हो कोई, है ना, उसकी वजह से, या इन्होंने कोई फेटल एक्सीडेंट भी देख लिया हो ना सड़क पे, तो वो हादसा नहीं भूला जाता उनसे, तो इस वजह से इग्निशिया में आती हैं ये कंडीशंस। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इन्होंने बहुत देखे होते हैं, इनमें इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत मिलेंगे, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन पेशेंट्स में। ये सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं, है ना, मूड स्विंग्स आएंगे। अच्छा, इनके साथ क्या होता है कि ये ना बहुत डिफ़िकल्ट टू डील विद होते हैं, ठीक है, इनके फैमिली एंड फ्रेंड्स ना इनको बहुत डिफ़िकल्टी से डील करते हैं, तो दे आर वेरी मच डिफ़िकल्ट टू डील विद। अच्छा, इसके बाद क्या है कि बहुत रेस्टलेसनेस होते हैं जब इनको कोई सिंपति देता है, ठीक है, ओवर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और अगर इनको कोई एडवाइस भी देता है इनके अच्छे के लिए भी, तो भी ये उसको नहीं मानते हैं, तो क्रिटिसिज्म भी इनका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जो इनके फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको भी बहुत मुश्किल होती है इनको चेयरअप कराने में, ठीक है, और इनमें भी स्लीप, पुअर स्लीप जो होती है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, स्लीप अच्छी नहीं है, उस वजह से ये सारा लो स्पिरिटेड फील करते हैं, डिप्रेस सा फील करते हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स के भी बस के नहीं है, घर वालों के भी बस के नहीं है कंसोल करने, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं इग्निशिया के पेशेंट। तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्विक रेमेडीज़ करेंगे, कौन कैसे सुइसाइड करने की सोचता है, उस टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।